हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त, आपका गाइड, आप सभी के लिए 15 मार्च के 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न, जो कि आगामी परीक्षा के लिए आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो देख रहे हैं तो इसे स्टार्टिंग में ही शेयर कर दें, तभी ताकि सभी लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके, और एक लाइक करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में दुनिया की इकलौती सफ़ेद महिला जिराफ की मृत्यु हुई है? आंसर होगा केन्या में दुनिया की इकलौती सफ़ेद महिला जिराफ की मृत्यु हो गई है। यही थी दुनिया की इकलौती महिला जिराफ, जिसका कि केन्या में अभी निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय समिति ने कितने राज्यों को कैरोसिन फ्री घोषित किया है? आंसर होगा संसदीय समिति ने 3 राज्यों हरियाणा, पंजाब और आंध्र प्रदेश को कैरोसिन फ्री घोषित किया है। अभी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत जो हमारी संसदीय समिति है, उसने 99% कहा कि हमारी जितनी भी महिलाएं हैं वो अब गैस सिलेंडर का उपयोग कर रही हैं, लेकिन सिर्फ 3 राज्यों को ही कैरोसिन मुक्त किया गया है। ये 3 राज्य ये हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की सरकार ने हैंड सैनिटाइजर और मास्क को आवश्यक वस्तु घोषित किया है? आंसर होगा भारत सरकार ने हैंड सैनिटाइजर और मास्क को आवश्यक वस्तु घोषित किया है। अभी कोरोना वायरस को देखते हुए इसके बचाव के लिए भारत सरकार ने यह कदम उठाया है, और यह कदम भारत सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत उठाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया में सबसे ज़्यादा नुकसान झेलने वाले अरबपति कौन बने हैं? आंसर होगा बर्नार्ड अर्नोल्ट दुनिया के सबसे ज़्यादा नुकसान झेलने वाले अरबपति बने हैं। यही हैं बर्नार्ड अर्नोल्ट, जिन्होंने हाल ही में सबसे ज़्यादा नुकसान झेलने वाले अरबपतियों में शामिल हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने पहला रणजी ट्रॉफी खिताब जीता है? आंसर होगा सौराष्ट्र ने पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युगांडा के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर होगा राजेश चपलोत को युगांडा के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। अब यहाँ नाम युगांडा का आया है, तो हम युगांडा के बारे में आप लोगों को बताते हैं। युगांडा की कैपिटल है कंपाला, और युगांडा की करेंसी है युगांडाई शिलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाना जेटोब कोवा का हाल ही में निधन हुआ है, वे कौन थे? आंसर होगा दाना जेटोब कोवा, जिनका कि हाल ही में निधन हुआ था, वे एक भाला चैंपियन थे, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। यही थे भाला फेंक चैंपियन दाना जेटोब कोवा, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी के संस्थापक ने निदेशक मंडल से इस्तीफा दे दिया है? आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक सत्या नडेला ने निदेशक मंडल से इस्तीफा दे दिया है। अब यहाँ माइक्रोसॉफ्ट का नाम आया है, तो एक मल्टीनेशनल कंपनी है, जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1975 को बिल गेट्स ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केपीएमजी के 2020 वैश्विक प्रौद्योगिकी उद्योग नवाचार सर्वेक्षण में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? आंसर होगा सिंगापुर केपीएमजी के 2020 वैश्विक प्रौद्योगिकी उद्योग नवाचार
सर्वेक्षण में शीर्ष पर रहा है। अब यहाँ बात सिंगापुर की आई है। सिंगापुर की कैपिटल सिंगापुर सिटी है और सिंगापुर की करेंसी सिंगापुरियन डॉलर है। इतना आप लोगों को सिंगापुर के बारे में याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कोरोना वायरस से निपटने के लिए 200 मिलियन डॉलर की घोषणा की है? आंसर होगा, एडीबी ने कोरोना वायरस कोविड-19 से निपटने के लिए 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा की है। अब यहाँ नाम एडीबी का आया है। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक। एडीबी की स्थापना 1966 में हुई थी और इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। इतना आप एडीबी के बारे में याद रखना होगा। फ्रेंड, मेरी कोशिश होती है कि क्वेश्चन के साथ साथ जितने भी स्टैटिक पोर्शन हैं वो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कवर कराए जाएं। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और अपने व्हाट्सएप और फेसबुक सभी ग्रुपों पर इस वीडियो को शेयर करें। अगर आपने फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।